आज हम कक्षा 12वीं में इतिहास के अंतर्गत राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात 1,500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत से विकास हुए, जिसमें ईसा 6वीं शताब्दी के नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के पीछे अन्य परिवर्तन के कारण भी हैं, जैसे कृषि उपज संगठित करने के तरीके से पता चलता है कि इस प्रकार विकास का मूल्यांकन या आकलन करने के लिए सिक्कों, अभिलेखों, ग्रंथों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के सूत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है कि अभिलेख और सिक्कों के माध्यम से हम ऐसी चीज़ें पता कर सकते हैं कि ये कौन से राजा के समय का है, ये कौन से राजाओं के अभिलेख हैं, उन्होंने कैसे कैसे नियम बनाए हैं। फिर प्रिंसेस और पद्दस्य, भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों पर पद्दसी और मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है, मतलब इससे ये पता चलता है कि ये कौन से राजा के समय के सिक्के हैं। जैसे कि अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है और बौद्ध धर्मों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। फिर प्रारंभिक राज्य, प्रारंभिक राज्य में 16 महाजनपदों के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो जनक दार्शनिक विचारधाराओं के विकास हुआ, इससे ये पता चल उस समय उन्होंने महाजनपद में 16 राज्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें मगध, गंधार, वज्जी, कुरु, अवंती, पांचाल और कौशल हैं। महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते हैं। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था और संघ और गण के नाम प्रसिद्ध राज्यों कई लोगों का समूह शासन करता था और समूह हर व्यक्ति का राजा कहलाता था, मतलब जो राजा होता था वह एक समूह में होता था और वह हर व्यक्ति का राजा कहलाता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था और किलेबंदी राजधानियों की देखरेख में प्रारंभिक सेनाओं, नौकरशाही हेतु अधिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी और शासकों का कार्य व्यापारियों, शिल्पकारों, किसानों से कर और भेंट वसूल करना था। इसके अतिरिक्त संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया, मतलब इससे ये पता चलता है कि जब एक राजधानी की स्थापना हुई वो एक किले में घिरा हुआ था और साथ ही साथ उसके देखरेख के लिए सेना और नौकरशाही की जरूरत पड़ी और साथ ही साथ शासकों का कार्य करने के लिए व्यापारी, शिल्पकार, किसान आदि की आवश्यकता पड़ी। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध है। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक में बिहार सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था, जिसमें मगध क्षेत्र में खेती उपज अच्छी होती थी। यहाँ लोहे की खदानें भी थी जो आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जिससे हथियार और उपकरण बनाना आसान होता था। लेखकों के अनुसार अजातशत्रु, बिंबिसार और महाजनपद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महात्माकांक्षी शासक होते थे, जिनके ही उनकी नीतियाँ भी लागू करते थे, मतलब वो अपना नियम बनाते थे और उन्हें लागू करते थे। राजगया मगध की राजधानी थी। राजगया का अर्थ है राजाओं का घर, जो कि पहाड़ियों के बीच में स्थित राजगा या किले बंद शहर होते, जैसे कि आप लोग देखते होंगे इतिहास में कई ऐसे राजाओं के महल हैं जो कि पहाड़ियों पर बने हुए हैं। फिर अभिलेख, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, और अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होता है क्योंकि अभिलेख में उनकी तिथि लिखी हुई होती है। अभिलेख में तिथि यदि नहीं मिलती है तो उसके निर्धारण लिपि या लेखन शैली के आधार पर भी स्पष्ट किया जा सकते हैं। जैसे प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते हैं और प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता है जो जनसामान्य की भाषाएं होती, मतलब उस समय जो लेखन में जो भी लिपि उपलब्ध होती थी वह जनसामान्य को समझने में आसानी हो उस तरह की भाषाओं का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साम्राज्य जो है वह किस तरह से फैला हुआ था, जो कि कुछ राज्यों में या मौर्य वंश के जो उस समय जो शासन हुए राजधानी जो था उसका प्रारूप करता है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना हेतु इतिहासकारों ने अनेक प्रकार के स्रोत उपयोग किए हैं। इसमें से पुरातात्विक प्रमाण भी मिलता है, जिसमें विशेषकर मूर्तिकला और इतिहास के पुनर्निर्माण में समकालीन रचनाएं मूल्यवान सिद्ध हुई हैं, जिसमें
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ अर्थशास्त्र एक किताब है जिसमें की रचना जो कौटिल्य ने किया था, जिसको कि चाणक्य भी कहते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। उनका नाम विष्णुगुप्त भी था। इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य में उल्लेख जैन बुद्ध पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत में भी मिलता है, जिससे साक्ष्य अनेक उपयोगी हैं। और उस समय स्तंभों में मिले अशोक के अभिलेख भी सबसे मूल्यवान माने जाते हैं। अशोक साम्राज्य अशोक के समय का मौर्य वंश का पहला सम्राट था, जो कि उसके अधिकारियों प्रजा संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश किए पत्थरों पर लिखवाए गए थे, और साथ ही साथ अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार भी किया गया था। और उनके शासनकाल में बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता था। और दूसरे धर्मों में परंपराओं का जो समय था वो सबको आदर मिलता था। फिर साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजकीय केंद्र थे, जिसमें पाटलिपुत्र, 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, तुसली, उज्जैनी और सुरवर्णी थे। उनके उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। जैसे अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात होता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक के प्रत्येक स्थान पर संदेश उत्कीर्ण किए गए। इससे ये पता चलता है कि मौर्य में अशोक साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के अखंड बनाए रखने के लिए प्रयास किया, उसे धम्म के प्रचार के द्वारा किया, और अशोक ने के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के सिद्धांत के साधारण और सार्वभौमिक थे। धम्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महाभारत नाम की विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। साथ ही साथ इन्होंने अपने पुत्र व पुत्रियों को भी धम्म के प्रचार के लिए दूसरी जगह भेजा था। फिर मौर्य साम्राज्य की महत्ता, मतलब उस समय मौर्य साम्राज्य का क्या महत्ता थी। जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। मौर्य साम्राज्य को कालीन को एक स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण है। साम्राज्य पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों ने यह भी माना है कि अभिलेख पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है, और यह भी माना जाता है कि अन्य राजाओं की तुलना में अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। अशोक के सिंह को आज भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है, और यह भारतीयों की वीरता, एकता, प्रगति तथा उच्च आदर्शों का प्रतीक है। क्योंकि अशोक जो था वह एक अच्छा शासक भी था, कुशल सेना नायक भी था, और वह दूसरे सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेता था। फिर राजजन के नवीन सिद्धांत, उस समय जो कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, दक्षिण के राजा और सरदार उपमहाद्वीप में दक्खन, दक्षिण के क्षेत्र तमिलनम और चल चेर में पांडे सरदारियों का उदय हुआ, जो कि अत्यधिक समृद्धशाली स्थायी सिद्ध हुए। फिर देविक राजा, राजा जो है देवी देवताओं से जुड़कर उच्च स्थिति में प्रांगण। उस समय कहा जाता है कि जो राजा होता था वह देवता तुल्य होता था, इसलिए लोग उसे देविक राजा के रूप में मानते थे। जैसे कुषाण शासकों में राजधर्म का सर्वोत्तम प्रमाण है कि सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है, जिसमें सामंत जो होते थे वे शक्तिशाली होते थे और बाद में भी राजा भी बन जाते थे। क्योंकि यदि राजा दुर्बल होता था तो सामंत राजा बन जाते थे, और साथ ही साथ जो बड़े शासक जो होते थे वह भी उनके अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास सिक्कों, अभिलेखों और साहित्य की सहायता से लिखा गया। बदलता हुआ देहात, देहात मतलब जो गांव होते थे, गांव फिर बाद में शहर बना, वो इसी चीज को कहा गया कि बदलता हुआ देहात। जनता में राजा की छवि, उस समय राजा की छवि क्या हुआ करती थी, राजाओं के विषय में लोग क्या सोचते थे, इससे भी अभिलेखों से पता चलता है कि जनता द्वारा राजाओं के विषय में विचारों, अनुभवों के विवरण काम दिए गए हैं। जैसे इतिहासकारों से पता लगाया कि अनेक कथाओं और स्त्रोत मौविक किस्से कहानियों हैं जिसके माध्यम से यह पता चलता है। उपज बढ़ाने के तरीके, मतलब उस समय जो उपज या कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने के लिए, उस समय वर्षा जिस क्षेत्र में वर्षा होती थी वहाँ पर लोहे के फाल वाले हेलोन के माध्यम से उर्वरक भूमि की जुताई की जाती थी, और उसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई भी के कारण भी उपज में भारी वृद्धि होने लगी थी। उपज बढ़ाने का एक तरीका और भी था, जिसमें कुआं और तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करके भी उत्पादन को बढ़ा सकते थे।
जिसमें व्यक्तिगत लोगों ने, कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए थे। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं, ग्रामीण समाज में भिन्नताएं थी क्योंकि खेती जो है नए नए तकनीकों से उपज बढ़ाने के साथ साथ इसके लाभ समान नहीं थे, क्योंकि बड़े किसान बड़े उसमें करते थे, कुछ खेतिहार मजदूर होते थे, कुछ छोटे श्रमिक होते थे, कुछ बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है, जिसमें बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे जो प्राय किसान पर नियंत्रण रखते थे और ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण। भूमिदान के उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। कच्छ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, अधिकांश ताम्रपत्रों पर खुदे हुए मिलते हैं, जिसमें यह प्रमाण मिलता है कि उस समय लोग भूमिदान किया करते थे। भूमिदान साधारण रूप से भी होता था, धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को भी दिए जाते थे। इस तरह से भूमि दान के भी उल्लेख मिलते हैं और ब्राह्मणों से भूमि कर और अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। फिर है नगर एवं व्यापार। उस समय जो नए नगर बने थे और व्यापार कैसा था। उस समय नगरों के विकास लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था, जिसमें अधिकांश नगर महाजन पदों की राजधानियां थी। ये नगर संचार के किनारे बसे हुए थे, जिसमें कि पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे हुए थे, उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे, अतिरिक्त पहाड़ जैसे नगर समुद्र तट पर थे और समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए थे। मथुरा जैसे अनेक नगर जो हैं व्यावसायिक सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र हैं, क्योंकि ये सब या तो समुद्र तट के किनारे हैं या भूतल मार्गों से, जहां पर व्यापार आसानी से किया जा सकता था और नगरों का या शहर का विकास किया जा सकता था। फिर नगरीय जनसंख्या, सम्राट परिवार और शिल्पकार। नगरीय व्यवस्था में शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे, जैसे कि पहले बताया जो नगर की स्थापना की जाती थी उसमें किलेबंद शहर होते थे। द्वितीय शताब्दी में आते आते इन नगरों के छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिसमें दाता के नाम के साथ साथ व्यवसाय उल्लेख और नगरों के धोबी बुनकर लिपिक बुनाई अधिकार स्वर्णकार लोहकार अधिकारी धार्मिक ग्रुप व्यापारी राजाओं के बारे में भी विवरण लिखे गए हैं। और यहाँ पर यदि कच्चे माल को खरीदती थी और साथ ही साथ तैयार माल को भी वे बेचते थे। इस तरह से नगर का विकास होता था, नगर की जो लोग होते थे उनकी मांगें भी पूरी हो जाया करती थी। फिर है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। मतलब जो उपमहाद्वीप थे तो वह जो आवश्यकताएं की चीजें थी वो बाहर से भी आयात करते थे और बाहर निर्यात भी करते थे। जिस तरह से कि उपमहाद्वीप नदी मार्गों और भूद मार्गों का जाल बिछ गया था, जिसमें दिशाओं पर फैला गया मध्य एशिया भूमार्ग समुद्र पर बंदरगाहों जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तर अमेरिका पश्चिमी एशिया में फैल गया था और बंगाल की खाड़ी से यह चीन दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। मतलब इस तरह से ये पता चलता है कि यह व्यापार करते करते ये सुरक्षा के बदले धन लेते थे या फिर अपना व्यापार करते थे। इन मार्गों पर चलते चलते व्यापारियों ने पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारियों बैलगाड़ी व घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। इसके साथ ही समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी परंतु लाभदायक भी होती थी। उसी तरह से सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते और नमक अनाज कपड़ा धातु निर्मित उत्पाद पत्थर लकड़ी जड़ी बूटी जैसे अनेक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाए जाते थे और वहाँ से दूसरी चीज़ें भी मंगाए जाते थे। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा काली मिर्च मसालों और कपड़े व जड़ी बूटियों की अधिक मांग थी। सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुँचाया जाता था। सिक्के और राजा। व्यापार के लिए सिक्के प्रचलन में विनिमय के लिए आसान साधन हो गया था, जिसमें जो सिक्के होते थे वह चांदी या तांबे के बने होते थे, जिसमें सबसे पहले ढाले गए प्रयोग में आए उपमहाद्वीप खुदाई के बाद इस तरह के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो कि सिक्कों का अध्ययन करने से वाणिज्य प्रयोग में संभावित क्षेत्रों का पता चलता है। सोने के सिक्के सबसे पहले 1वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इसके साथ साथ पुरा स्थलों में ऐसे सिक्के मिले हैं जिससे सिक्कों के व्यापक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र लिपि आदि उनके धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों इन सिक्कों का को पाया गया है उसका अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। फिर है गृह कार्य, जिसमें मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है
दूसरा है अभिलेख से आपका क्या तात्पर्य है, तीसरा है मेगास्थनीस कौन था, चौथा है महाजनपद क्या थे, क्या महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम बताइए, अशोक के सिंह सीड्स को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है।